संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दस रूपकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। दस रूपकों में हमने अर्थ प्रकृतियों के बारे में जान लिया था। पांच प्रकार की होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी की व्याख्या सहित परिभाषा सहित व्याख्या हमने जानने का प्रयास किया था। कार्य की स्वयं की कोई परिभाषा नहीं होती, कार्य की अवस्थाएं पांच हो जाती हैं या कार्य को पांच हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। तो आज हम कार्य की अवस्थाएं जानने का प्रयास करेंगे। कार्य की पांच अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कार्य की अवस्थाएं या कार्य के हिस्से या कार्य के सोपान, कार्य जब भी कोई हमको कार्य करना होता है, जब भी हमको किसी फल को प्राप्ति करनी होती है तो वो कार्य करना पड़ता है। उस विषय में कार्य क्या है, वो पांच हिस्सों को मिलकर के एक बनता है। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए तो हम पान खाते हैं, तो पान अकेले खाने से लाल रंग पैदा नहीं होता। पान के दो तीन हिस्से होते हैं, उनको जब मिलाकर के हम खाते हैं तो लाल रंग पैदा होता है। ऐसी कार्य क्या है, एक विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके पांच हिस्सों को जब मिला दिया जाता है जो वो पूर्ण कार्य कहलाता है, और उस पूर्ण कार्य को करने से हमको फल की प्राप्ति होती है। बोला गया इसमें अवस्था पंच कार्य से प्रारब्ध से फलार्थी भी आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नितापति फलागमः। फल आर्थी भी, फल को चाहने वाले या जो फल की इच्छा रखते हैं वो है? कार्यस्य प्रारब्धस्य या अवस्था पंच, कार्य की पांच अवस्थाएं होती हैं। फलार्थी जो कार्य को किसी का फल को पूर्ण करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन कौन सी होती हैं? आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नितापति फलागमा। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नितापति और फलागम, ये पांच अवस्थाएं हैं या पांच हिस्से हैं या पांच सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, जिनके माध्यम से कार्य पूर्ण होता है। आरंभ, और इनको लगभग हम सभी जानते हैं, आरंभ क्या है, यत्न क्या है, प्राप्त्याशा क्या है, नितापति क्या है, फलागमा क्या है। इसमें प्राप्त्याशा और नितापति को नहीं जानते, बाकी आरंभ, यत्न, फल लगभग सभी जानते हैं। ठीक है, तो आरंभ क्या है, किसी कार्य को शुरू करना, विचार में, मन में विचार करना ही आरंभ हो जाता है। एक तरह से मुझे ये कार्य करना है, इस तरह से कभी सोच लेना ही आरंभ हो जाता है। लेकिन 100 में से 99 लोग सोच कर ही छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, आपने पूर्ण उसको किया ही नहीं। अगर आदमी मेहनत करे थोड़ा सा, और कार्य की जो पांच अवस्थाएं दी हैं, वैसे ये दश रूपक है, रूपक के बारे में समझा रहा है, लेकिन इसमें पूरा जीवन का सार भी बता दिया है। इसलिए तो नाटक में हमें तीन फल की व्यवस्था दी है रूपकों में, इनको ध्यान रखना, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति होती है रूपक से। तो इसमें यदि इन तीनों में, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो या काम हो, या तीनों हो या दो हो, किसी को भी प्राप्त करना है तो कार्य की इन पांचों अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। और यदि सही तरीके से इन पांचों अवस्थाओं से गुजर जाता है तो कोई भी धर्म, अर्थ, काम, या धर्म, अर्थ, काम, तीनों या एक या दो, तीनों, कुछ भी, तीनों को प्राप्त कर सकता है। तो प्रारंभ विचार करना मात्र तो है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, उत्सुकता। औत्सुक्य मात्र आरंभ फल लाभाय भूयसे। यदि प्रचुर मात्रा में, भूयसे मतलब फल लाभ को बहुत अधिक मात्रा में, जो फल को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रचुर मात्रा में फल को प्राप्त करना चाहते हैं या जो फल की इच्छा है, तो औत्सुक मात्र आरंभ, उसके बारे में उत्सुकता ही, मन में विचार आना ही आरंभ कहलाता है। औत्सुक मात्र है, उत्सुकता मात्र आरंभ ही क्या कहलाता है, आरंभ कहलाता है। अब उत्सुकता मन में विचार होता है। आजकल के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं लोगों के, बिजनेस जो सोचते हैं कि इस तरह से आप काम करिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कहीं चले जाइए, कहीं भी आपका काम जो होता है वो मन से होता है। यदि हमको ईश्वर की आराधना करनी है तो मन के द्वारा ही होगी, लेकिन
उसमें बिना मन के आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कर सकें, दुनिया का कोई भी काम। तो पहले मन में विचार करना, उसके बारे में रूपरेखा बनाना, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, नक्शा, एक तरह से दिमाग में नक्शा बन जाता है कि मुझे इसको प्राप्त करना है और इसको प्राप्त करने के लिए मैं ऐसे 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 कर सकता हूं। ये पूरी व्याख्या जो मन में होती है वही उत्सुकता होती है, अर्थात मैं इस कार्य को कर सकता हूं। इसको और अच्छे से यहां पर थोड़ा सा समझा दिया है उसी में, पुस्तक में ही, इदम अहम संपादयामि इति अध्यवसाय मात्र आरंभ इत्युच्यते। इदम अहम, यह मैं संपादयामि, पूर्ण कर सकता हूं या कर लूंगा। इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चित करना मात्र, केवल दिमाग में मात्र निश्चित कर लिया जाए, वही आरंभ है। अभी हमने व्यवहारिक रूप से उसको धरातल पर नहीं उतारा, अभी तो केवल मन में ही विचार किया है कि मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है, मैं पीजीटी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं प्रवक्ता की तैयारी करना चाहता हूं, मैं प्राध्यापक की तैयारी करना चाहता हूं, नेट या जेआरएफ की तैयारी करना चाहता हूं। जो भी अपने दिमाग में आ जाता है, एक बार मन में आ जाता है, वो क्या है, उसके बारे में उत्साह आ जाना, हां ये मैं कर सकता हूं, वही केवल आरंभ है, वो आपका जीवन का पहला कार्य का पहला सोपान हो गया, सीढ़ी हो गई, पहली अवस्था हो गई है। मात्र आरंभ उति उच्यते। अब मन में तो आ गया, ये मन का कार्य हो गया कि मन में आपने काम कर लिया, पूरा हो गया। फिर आता है यत्न, प्रयत्नस्तु तद प्राप्तौ व्यापारो अति त्वरान्विता, है ना। ये लाइन है ना, बहुत अच्छी है। इसमें अगर दिमाग में थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो समझ में आएगा कि 99% लोग फेल के होते हैं और उनके असफल होने के कारण क्या है। प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ, अब यहां पर हमने विचार तो कर लिया कि मुझे टीटी बनना, मुझे पीटी बनना या मुझे प्रवक्ता बनना है, प्राध्यापक बनना है, लेकिन इसके बाद में हमने कोई काम नहीं किया। तो यही वही कह रहे हैं कि प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ, उस फल की अप्राप्ति होने पर, जो फल हमने सोचा है वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। भाई सोचने से कोई प्राप्त हो जाता है, सोचने से उत्सुकता बन सकती है, लेकिन प्राप्त नहीं हो सकता। व्यापारो अति त्वरान्विता, उसके व्यापार में, उस फल को जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसके व्यापार में लग जाना, उद्योग करना तेजी से, त्वरा से, त्वरा सब जो है वो अति त्वरान्विता, त्वरा बहुत संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसको शीघ्रता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। शीघ्रता हो सकती है लेकिन उसमें बेहोशी हो सकती है। त्वरा शब्द जो है शीघ्र शब्द को लेकर के होश उसमें जुड़ा हुआ है। आप करना क्या चाहते हैं, संस्कृत के बड़े बड़े शब्द ऐसे हैं जिनको व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि आपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं जिया या आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कदम नहीं है तो हम शब्दों की व्याख्या सही से नहीं कर पाते। आध्यात्मिक जीवन है होश पूर्वक किसी कार्य को करना, लेकिन उसमें शीघ्रता से करना। एक होता है शीघ्रता से करना लेकिन होश ना होना, बेहोशी होना, तो उसमें भी असफलता नहीं मिलती। एक होता है कि होश में करना लेकिन उसमें शीघ्रता ना होना, आराम आराम से हो जाएगा, तो उसमें भी सफलता नहीं मिलती, असफलता ही हाथ आती है। तो यह क्या है, जो फल प्राप्त नहीं हुआ मन के द्वारा कोई फल प्राप्त होता ही नहीं, और लोग इसीलिए असफल भी होते हैं। तो उसके व्यापार में शीघ्रता से होशपूर्वक लग जाना ही क्या है, या प्रयत्न करना ही यत्न कहलाता है। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई हमारे, यानी कि मन से कोई काम सोचा और वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसको प्राप्त करने के लिए होशपूर्वक यानी मन से शीघ्रता से लग जाना ही या प्रयत्न करना ही यत्न कहलाता है। ठीक है, अब आती है प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवा उपाय, इसको थोड़ा सा नीचे और देख लेते हैं, क्योंकि ये व्यापार है, किस चीज का व्यापार है। तो इसमें बताया गया है तस्य फलस्य अप्राप्तौ उपाय योजनादि रूप चेष्टा विशेष प्रयत्नः। तस्य फलस्य अप्राप्तौ, उस फल का जिसका हमने विचार किया था, जो हमने सोचा था, अप्राप्त हो, उसके अप्राप्त होने पर, अर्थात वो फल हमको विचार करने से मिलेगा नहीं, विचार कर रहा और हमको मिला नहीं। उपाय योजना दी, अब उपाय करने के कितने साधन हो सकते हैं, अब हम क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की या प्राध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे।
मैंने टीजीटी की सोचा, मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है, लेकिन सोचने से वो फल प्राप्त नहीं हो सकता, अप्राप्त है अभी भी। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ योजना बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमको पुस्तकें लानी पड़ेंगी, पाठ्यक्रम ढूंढना पड़ेगा, पाठ्यक्रम ढूंढा, फिर पुस्तकें लाए। पुस्तकों के लिए पैसे का अभाव है या कुछ पुस्तकें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, तो अब गुरु को ढूंढना पड़ेगा। गुरु यदि नहीं मिल पा रहे हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल पा रहा, तो अब यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग मिल जाते हैं, तो हम यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे, ढूंढेंगे उस विषय में। तो ये क्या हो गया, ये उपाय हो गए, योजना बनाना और उपाय ढूंढना, उसके साधन ढूंढना, ऐसी अनेक प्रकार की जो चेष्टा विशेष है वो ही प्रयत्न कहलाते हैं। यहां पर आकर के आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहां रुका था। अब हमारे पास क्या हो गए, उत्सुकता हो गई और उपाय हो गए। अब कह रहे हैं ये उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। उपाय होने पर यानी साधन होने के बावजूद भी अपाय शंकाभ्याम, विघ्नों की शंका के कारण या विघ्नों के कारण, जब हम किसी चीज को कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनेकों बीच में विघ्न पड़ते चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ये अनवरत रूप से चल ही रहा है। यदि हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते तो वो समस्याएं आती है तो हमको इतना दुख नहीं देती, अर्थात परेशानी खड़ा नहीं करती। लेकिन हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें छोटे 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 जो विघ्न होते हैं वो भी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं, लेकिन है नहीं ऐसे। तो अपाय, उसकी जो विघ्नों की जो शंका है यार, विघ्न के कारण जो शंका पैदा हो गई है, प्राप्ति संभव, उसको प्राप्ति संभव में, अर्थात वो फल प्राप्त होगा या नहीं, प्राप्ति संभव हो गया है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, हम इस टीजीटी की परीक्षा में या पीजीटी की परीक्षा में पास हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, इस तरह की प्राप्ति संभव हो जाता है, प्राप्ति संभावना हो जाती है, प्राप्ति की संभावना, वही कहलाता है प्राप्ति आशा। एक अनिश्चितता बन जाना है, संभावना मात्र है ये, तो कहते ना कि संभावना मात्र, तो संभावना मात्र ही प्राप्ति आशा कहलाती है। किसके कारण, केवल विघ्नों के कारण। हमारे पास उत्सुकता थी, प्रयत्न हम कर ही रहे थे, साधन हमने जुटाई लिए थे, लेकिन विघ्न छोटे छोटे आने लगे तो हमको संभावना मात्र रह गया, यही प्राप्ति आशा होती है। ठीक है, अगला है नियताप्ति। नियताप्ति होता है नियत, निश्चित हो जाना किसी चीज में, है ना। अपाय अभावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चिता, यानी कि सुनिश्चित हो जाना किसी विषय में जो हम चाहते हैं, जिसके विषय में हमें जो फल है वो, उसके बारे में हम निश्चित हो गए। अपाय अभावतः, कैसे निश्चित हो गए, क्योंकि हमारे पास उत्सुकता थी, प्रयत्न हम कर ही रहे थे, साधन हमारे पास थे, केवल विघ्न थे, विघ्न के अभाव, जो भी विघ्न थे उनका अभाव हो गया, अब विघ्न समाप्त हो चुके हैं। ये चौथी स्थिति है, चौथी अवस्था है, विघ्न के अभाव में प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चित, सुनिश्चित हो जाता है प्राप्ति, यानी कि प्राप्त होना निश्चित हो गया, किसका, फल का, जो भी हमारे फल हैं धर्म अर्थ काम, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता की हम तैयारी कर रहे हैं तो वो ना तो धर्म है ना ही वो काम है, अब केवल अर्थ की बात कर रहे हैं यहां पर, तो अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, उसी का नाम नियताप्ति है। अपायों विघ्नों के दूर हट जाने से प्राप्ति की, फल की प्राप्ति की जो सुनिश्चित हो जाता है, उसी को हम नियताप्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर दो चीज रह गई है इसमें समझाने के लिए, अपाय वाला ये वही है, यहां पर कोई अंतर नहीं है। उपायस्य अपाय शंकाश्च, उपाय की होने पर जो विघ्न की शंका है, भावाद निर्धारित एकांता फल प्राप्तो प्राप्त्याशा, यानी कि जो आपने फल निर्धारित किए थे उसमें एकांतता, निश्चित ना हो पाना, अनिश्चय हो जाना ही फल प्राप्ति में अनिश्चितता होना ही प्राप्त्याशा कहलाती है। यह अपाय अभावाद, यानी कि जो विघ्न थे उसका अभाव हो गया है, अवधारित एकांता फल प्राप्ति नियताप्ति, अब जो अभाव थे उनका, विघ्न थे उनका अभाव हो जाने के कारण एकांत फल की प्राप्ति, निश्चित ही फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा विचार आना या सुनिश्चित हो जाना ही नियताप्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं फलागमा। अब हमारे पास चार चीज मौजूद है, उत्सुकता है, प्रयत्न हम कर ही रहे हैं, साधन सारे मौजूद ही हैं, और विघ्न सब हटी गए, तो अब क्या होगा, फल तो प्राप्त होगा ही होगा। समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदिता, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने विचार किया था,
वैसा हमको समग्र रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम कहलाती है। आशा है ये जो कार्य की अवस्था है वो आपको जीवन में ही बड़ा लाभ देंगे। यदि कार्य की ये चार अवस्था हम जीवन में उतार लें तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या आने वाली है। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे उस समय YouTube का माध्यम नहीं हुआ करता था, बड़ी समस्याएं थी। तो मैं करीब करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक मेरे मित्र थे, मुझसे हालांकि समकक्षी थे वो, और कभी मैं अपने जीवन के बारे में समझाऊंगा बताऊंगा कि मेरा जीवन बड़ा रूसु प्रकृति का रहा है, तब उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैं उनसे पढ़ने जाया करता था, हफ्ते में एक दिन समझने जाया करता था। तो वो उपाय था, वो साधन था मेरा, और विचार करना फिर उसके बारे में लग जाना, और मात्र 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मुझे सफलता मिली थी उस दौरान। अब तो थोड़ा सा मेहनत और अच्छे से कर लिए जाए तो जल्दी सफलता मिल जाती है, क्योंकि आजकल लोग भटक गए हैं बहुत ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, किसी वीडियो में माध्यम से लाइव के माध्यम से ये चर्चा करेंगे आने वाले समय में, और उसका दिन हम लगभग रविवार का रखेंगे। जो भी आपकी शंकाएँ होती हैं, समाधान होते हैं, जीवन से संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न छोड़ सकते हैं, लेकिन उस लाइव में ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता, तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।